ओम नमः शिवाय जय महाकाल आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है नाग पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन है जो इस सावन के महीने को बहुत पवित्र बनाता है अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें हमेशा मतलब प्रॉब्लम में रहते हो जीवन में कष्ट ही कष्ट कस्थ है ना तो ये वीडियो आपके लिए है पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा बस नाग की बहन के नाम से आपको पाँच लौंग लेना है छोटा सा उपाय करिएगा जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे बिल्कुल नया सा उपाय है करिएगा लेकिन उससे पहले बता दो इस पूरी वीडियो में नागपंचमी करने पे करने वाले चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करने वाले हैं ना चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो नाग की बहन का नाम लेकर के हमें पांच लौंग लेना है कहोगे भैया इस उपाय को बताने से पहले इसके बेनिफिट बता दो इसका एक बेनिफिट बहुत बड़ा है और वो है पितृदोष है ना अगर आपके घर से पितृदोष खत्म हो जा रहा है ना तो इसका मतलब आपके घर में खुशियाँ ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाएंगी है ना देखो क्या करना है स्क्रीन पर आपको लॉन्ग दिख रहा है तो आपको लेने होंगे कितने लॉन्ग? पांच लॉन्ग, ले लिया पांच लॉन्ग। अब इस पांच लॉन्ग के साथ हमें एक छोटी सी चीज और लेनी है, है ना और वो चीज़ लेनी होगी नाग नागिन का जोड़ा अब असली वाला नहीं कि उठा के कहीं से खोज के पकड़ लो नहीं आपको किसी भी सोनार के दुकान पे जहाँ पे सोने चांदी मिलते हैं अगर आपके घर की क्षमता अच्छी है तो आप चांदी का ले लेना ठीक है वैसे कोशिश करना चांदी के बहुत महंगा नहीं मिलेगा सौ डेढ़ सौ में मिल जाएगा ईजिली नाग नागिन का जोड़ा बहुत ही पतला सा मिलता है ले लेना अगर नहीं ले सकते हो चांदी का भाई नहीं ले सकते भैया हम तो पंद्रह से बीस रुपए में आपको मिल जाएगा कॉपर का मिलता है ऐसे मतलब उसका मिलता है क्या बोलते हैं तांबे का ठीक है हाँ कॉपर ही बोलते हैं उसमें इंग्लिश में तो तांबे का आपको मिल जाएगा ईजिली मिल जाएगा पंद्रह से बीस रुपए में नाग नागिन का जोड़ा ठीक है इन दोनों चीज़ों को ले लेना नाग नागिन का जोड़ा और पाँच लौंग अब आपको उससे क्या करना होगा आपके घर का जो ईशान कोण होता है काफ़ी लोग समझ नहीं पाते ईशान कोण क्या होता है देखो ये होता है नॉर्थ यह है साउथ यह है ईस्ट यह है वेस्ट है ना मानते हो तो आपको क्या करना है जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा कौन सा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा यही दिशा होती है हमारी कौन सी ईशान कोण तो आपको अपने घर में ईशान कोण में अगर जमीन में कहीं पे रख सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जमीन में जब रखोगे तो वहां पर आपको दो नाम बोलना होगा ठीक है जब आप लौंग को और नाग नागिन के जोड़े को अपने हाथ में रखोगे तो वहां पर आस्तिक मुनि का नाम लेना है किसका नाम लेना है आस्तिक मुनि का नाम लेना ठीक है समझ में आई बात लेकिन जब आप उस नाग नागिन के जोड़े को और पांच लोगों को जमीन के अंदर दबाओगे तो वहां पर आपको नाग की बहन का नाम लेना होगा और वो नाम है मनसा क्या नाम लेना है मंशा के नाम से आपको जमीन के अंदर दबाना है काफी लोग कहेंगे भैया कहा गुरु जी की कथा में सुन लिया आपने तो जिसको डाउट होगा मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे या व्हाट्सएप मैसेज कर देना मैं आपको गुरु जी की ओरिजिनल आवाज में वीडियो दे दूंगा ठीक है लेकिन भरोसा रखो आपके भाई के ऊपर गलत कभी नहीं बताऊंगा तो इस उपाय को करके देखिएगा अगर देखो घर के अंदर आप दबा नहीं सकते हो तो किसी कपड़े में बांध करके अच्छे तरीके से आप अपने घर के ईशान कोड में रख देना करके देखिएगा पितृदोष आपके घर से कहां चला जाएगा भी नहीं चलेगा और कभी नाग वगैरह का जो सपने आते हैं बुरे सपने वो भी आपको नहीं आएंगे ठीक है चलो तो यहां पर हम सभी ने पहले उपाय की बात कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है ये उपाय होगा धन संपदा के लिए कई बार बता चुका हूं बस आपको याद दिलाना है धन संपदा अगर आपके घर में नहीं टिकती माता लक्ष्मी का वास नहीं होता तो इस उपाय को करेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दही दिख रहे ना इसी तरीके से दही लेना बहुत ज़्यादा नहीं लेना है एक से दो चम्मच दही लेना अब दही के साथ हमें लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र जो कहीं से कट्टी फिटी हुई ना हो है ना ले लिया साथ ही साथ एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे अपने घर से है ना इन तीनों चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो आपके पास में दही है ना उस दही को अपने दाहिने हाथ में राइट हैंड में रखना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना उस दही का जितना अच्छे तरीके से कर सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए ठीक है अब जहाँ पर दही का लेपन किया है उसी दही के ऊपर जो एक बेलपत्र आपके पास में है वो भी समर्पित करेंगे और जब वो समर्पित करेंगे तो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख हो जाएगा वो होगा आपके तरफ है ना इतना काम कर लिया अभी आपके पास में एक तांबे का लोटा है जिसमें जल भरा है आपने अपने घर से है ना उस तांबे के लोटे से जल उसी बेलपथ के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन उपाय को कर लेता है उनके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं होती ठीक है तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ तीसरा उपाय क्या है इसके क्या फ़ायदे हैं उससे पहले छोटा सा काम और वो है वीडियो को करेंगे लाइक जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा देखो ये जो तीसरा उपाय है ये स्पेशली है आपके बच्चों के लिए आपके घर के बच्चे अगर पढ़ते नहीं है खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठते दिन भर फोन का यूज करते हैं गलत संगति में जा रहे हैं तो चाहे वो बच्चा आपका छोटा हो या फिर बहुत बड़ा हो गया है इस उपाय को करिएगा ठीक है उसके लिए आपको क्या करना होगा लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन ठीक है लाल चंदन को लेना छोटी सी कटोरी लेना इसमें लाल चंदन को डालना थोड़ा सा पानी इसको अच्छे तरीके से घिसना जितना घिसते हैं चंदन का महत्व उतना ही बढ़ता है ठीक है घिस लिया चंदन को और साथ ही साथ आपको क्या करना है उस चंदन को लेके जाओगे बेल बेल पेड़ पेड़ के के नीचे नीचे जो बात बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना बेल के नीचे जाना और आपको ये तीन उंगलियों का इस्तेमाल करना है जिससे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं ना उन तीन उंगलियों में ज्यादा मात्रा में कम मात्रा में जितना भी लाल चंदन आपने लिया है पूरा का पूरा उन तीन उंगलियों में उठा लेना ठीक है और थोड़ा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उसी तीन उंगली से आपको बेल पेड़ पर आपको एक छोटा सा त्रिपुंड नहीं, पूरा पूरा नहीं, नहीं है लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास वहां पर कुछ भी नहीं करना है आपको जो आपके हाथ में त्रिपुंड में मतलब तीन उंगलियों में लाल चंदन लगा है उसी लाल चंदन से थोड़ा सा त्रिपुंड फिर से बनाएंगे कहां पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उस बच्चे का नाम और गोद्र बोल करके महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है बहुत ज़्यादा गलत संगति में जाता है खुद पढ़ने के लिए बैठता है आप इसकी बुद्धि को या आप इसके दिमाग को ठीक कर दें इस तरीके से प्रार्थना करना उसके बाद फिर अभी आपको हाथ नहीं धुलना है और लेके चले जाना वैसे का वैसा हाथ आप अपने घर में जिस भी कमरे में आपका वो बच्चा वो इंसान सोता है पढ़ता है या फिर जहाँ पर उसका मैक्सिमम टाइम बीतता है उस कमरे में उस कहीं पर भी बेड पर दरवाजे पर कहीं पर भी अपने हाथों से उसी उंगलियों से त्रिपुण बना देना जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसके घर के जो सदस्य होते हैं सही संगति में जाते हैं गलत उनका दिमाग नहीं जाता करके देखिएगा एक तो नाग पंचमी का दिन है ऊपर से सावन का पवित्र महीना है और एक साथ बढ़ रही है सोमवार का दिन तीन संयोग एक साथ हैं तो उपाय को जरूर करना ठीक है चलो तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने तीन उपाय की बात कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने चौथे उपाय की तरफ और ये जो चौथा उपाय है ये है आपकी कोई भी ऐसे विष है मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है तो इस उपाय को करना है ठीक है उसके लिए क्या करना होगा आपको लेना होगा चावल के दाने कितने दाने मात्र एक चावल का दाना गिन करके मात्र एक चावल का दाना लेना ठीक है फिर आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र अब बेलपत्र कितनी लोगे बेलपत्र भी आपको एक लेनी है जो बहुत प्यारी हो बहुत ही सुंदर हो कहीं से पिटा ना हो अब यहाँ पर एक फूल भी आपको लेना है फूल होना चाहिए सफ़ेद फूल जो कि कोई सा भी सफ़ेद फूल जो भी आपके घर के आसपास ईजीली मिल जाए ठीक है सफ़ेद फूल लेना साथ ही साथ आपको लेना होगा एक दूर्वा ज़्यादा नहीं मात्र एक दूर्वा आपको लेनी होगी इन चारों चीज़ों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास लेकिन ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पर लो, लोगों का आना जाना बहुत कम हो जिनको हम लोग कह सकते हैं एकांतेश्वर महादेव है ना उनके पास जाना फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जो मैं क्रम बताने जा रहा हूँ उन्हीं उसी क्रम से आपको चढ़ाना होगा आपके पास में एक चावल है आपके पास में एक दूर्वा है आपके पास में एक समीप आ, क्या है एक बेलपत्र है और एक सफ़ेद फूल है यही है ना सबसे पहले आपको क्या करना है एक दूर्वा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर दिया ठीक है दूरवा चढ़ाने के बाद क्या करेंगे आपके पास में जो एक सफेद फूल है उस सफेद फूल को समर्पित करेंगे उसके बाद एक चावल के दाने को समर्पित करेंगे सबसे लास्ट में आपको एक बेलपत्र अपनी कामना कहते हुए एकांतेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना है फिर चाहे तो एक लोटा जल भी आप समर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा से जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है उसकी जो विशेष होती है जो भी कामना होती है बहुत जल्दी महादेव पूरी जरूर करते हैं ठीक है कोशिश की इस पूरी वीडियो में नागपंचमी पे करने वाले चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात हमने की है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना हो नहीं समझ में है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओम नमः शिवाय जय महाकाल